हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अल जवाहर का चिकन चंगेज़ी। यहाँ पर मैं टंगड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये टंगड़ी चंगेज़ी की एक रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैरिनेशन बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दही में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, घर पे ही पीसा हुआ है इसलिए बहुत फाइन पाउडर नहीं है, और इन सब 4 बेसिक मसालों को हमने दही में मिक्स कर लिया है। इससे बहुत ही सिंपल सा मैरिनेशन तैयार होगा। मैंने यहाँ पर आधे किलो चिकन टंगड़ी ली है, लगभग 6 पीसीज हैं। अच्छे से गैशेस बनाकर बहुत अच्छे से सिरके के पानी में धो करके इसको ले लिया है। चिकन एकदम फ्रेश है, सॉफ्ट है और जूसी है। अगर आप चिकन को और ज़्यादा जूसी करना चाहते हैं तो कट्स लगाकर नमक के पानी में आधे पौने घंटे के लिए डालकर रखें और फिर विनेगर से वॉश करें ताकि इसके अंदर की स्मेल चली जाए। अच्छे से रगड़ रगड़ के मैरिनेशन को लगा दिया है। फ्लैश वाली साइड से डिप करके इसको कम से कम आधे घंटे या फिर 12 घंटे तक ओवरनाइट फ्रिज में रख करके मैरिनेट किया जा सकता है। मैरिनेशन से फ्लेवर हमेशा बढ़ता है, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है। अब हम ग्रेवी की बात करेंगे। चंगेज़ी की ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए हमने ढेर सा लहसुन और अदरक लिया हुआ है। लहसुन और अदरक को हम अलग से पेस्ट बनाएंगे। उसके अलावा हमने 5-6 हरी मिर्चें, हरे धनिया के डंडे ही लेने हैं, उसी से फ्लेवर आएगा, पत्ते से काम नहीं चलेगा। काजू लिए हैं 10-12, लाल लाल टमाटर लेने हैं और 2 प्याज ले लिए हैं। सबको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डाल दिया है सिंपल ऑयल। ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है लहसुन अदरक वाला पानी। लहसुन अदरक का पेस्ट हम ज़्यादा पानी से बना रहे हैं और लहसुन अदरक का पानी ही हमने तेल में डाला है ताकि हमारा जो तेल है उसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाए। ये सेंटिंग द ऑयल वाला स्कीम है। इसके अंदर हमने फिर वही धनिया के डंठल, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर डाल दिया है और 1 चम्मच से भी बहुत कम, 1 चुटकी नमक हमने डाल दिया है। इसकी वजह से प्याज टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। ढक कर के पकाएंगे। मैं हर रेसिपी को बार बार ढक कर बनाती हूँ जिससे कि उसके फ्लेवर्स इंटैक्ट रहे। 3 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हैं और डाल दिया है थोड़ा सा पानी, लगभग 1 छोटे गिलास पानी है, 250 ml के लगभग। ढक्कन लगा के फिर से तेज़ आँच पर इसे बॉयल होने देंगे। हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छी से फूल गई हैं, नरम हो गई हैं, और जो प्याज वगैरह है ये भी अच्छे से पक गया है। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमने वही पैन फिर से लिया है, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम घी को सेंट देंगे, वो भी लहसुन अदरक का। थोड़ा सा फिर से अदरक और लहसुन का पानी डाल दिया है। जब तक घी गर्म हो रहा है, लहसुन अदरक सेटल हो रहा है, तब तक हम आँच को धीमा ही रखेंगे। अब हमने मैरिनेट की हुई चिकन टंगड़ियों को लेना है। मसाला थोड़ा कम ही लेंगे और इसी सेंटेड घी में इसको रख देंगे। यहाँ पर हमें टंगड़ी को बहुत अच्छे से करारा करके एकदम भून लेना है। डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स लाने हैं। ये चीज़ अगर आप तंदूर में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अंगीठी पर भी कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर पैन में करके इसके बीच में कोयला लगा करके उसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना कोयले के ही इसको ऐसे ही स्मोकी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर तेज़ आंच करके बिना ढके हमने चिकन को पकाना है। ये जो ब्राउन से स्पॉट्स हैं इन्हें हमें बनाए रखना है। और यहाँ पर जो ये ऑयल है ये, या घी अगर आपने लिया है तो ये घी हमें वेस्ट नहीं करना है, यही घी यूज़ करना है। बाद में हम छलनी से छान करके घी को इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे चार्ड फ्लेवर्स हैं, यानी कि एक जो स्मोकी टच है वो इस घी के अंदर ऐड हो गई है। ये देखिए साइड में जो ब्लैक ब्लैक है, ये सारा हमारा मैरिनेशन वाला दही का मसाला ही है। कुछ इस तरीके से हमारा चिकन नज़र आना चाहिए। एकदम से ऊपर से ड्राई होगा, काफ़ी हद तक चार्ड होगा, एक अलग सी खुशबू आएगी घी वाली और मसालों और दही वाली। अब हमने एक और बर्तन में थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा बटर और वही वाला घी जो हमने छान करके रखा है वो ऐड कर दिया है। जैसे ही ये गर्म होना शुरू होंगे हम इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। 1 बड़ा सा तेज़पत्ता, 2 इलायची फोड़ करके डाल दी हैं, बड़े वाली इलायची यूज़ कर रहे हैं।
आधा इंच 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया हुआ है, 20-25 काली मिर्च के दाने यूज किए हैं, एक चुटकी बड़ी सी भर करके कसूरी मेथी ली है। कुछ हद तक ये भुन जाएंगे, उसके बाद हमने वो जो पेस्ट तैयार किया था ठंडा करके वो ऐड कर दिया है। अब हम गैस को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है तो इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं इसे ढक करके बना रही हूँ। अब हम बात करते हैं मैरिनेड के बचे हुए मिक्सचर की, जो कि हमारा दही और मसालों से बना है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ये भी इसी ग्रेवी में ऐड कर दिया है। दही हमारी कर्डल नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सूखे मसाले थे। अब हमने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। पहले हमने तीखी लाल मिर्च डाली थी मैरिनेशन में, यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कलर के लिए अच्छी रहती है। हालांकि इस ग्रेवी का कलर थोड़ा ऑरेंजिश ही रहता है। चिकन चंगेजी की जो ग्रेवी है वो काजू या फिर आप जो भी नट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से थोड़ी वाइटिश ऑरेंजिश कलर की ही होती है, हम कोई कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमने चिकन टंगड़ियाँ जो कि हमने अच्छे से सेक रखी थी, चार्ड कर रखी थी, तल रखी है वैसे तो हमने, आप चाहें तो तंदूरी ढंग से भी बना सकते हैं, गैस पर भून सकते हैं, वो हमने ऐड करके फिर से ढक करके इसे एक बॉयल आने दिया है। तेल, घी, बटर सब कुछ ऊपर तैरने लगा है, हमारी चिकन पकी है या नहीं हम चेक कर ले रहे हैं। अब ये फोक टेंडर हो चुकी है, यानी 1 मिनट के लिए ही फोक आप यूज़ करते हैं। जस्ट छूने के बाद ही अगर चिकन निकल आ रहा है तो मतलब ये पक गया है, बोन्स को छोड़ने लगा है, यानी इनका पकने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये हम टेस्ट चेक कर ले रहे हैं, ग्रेवी को अच्छे से ले लेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, नमक अच्छा लग रहा है इसके अंदर, सब कुछ बैलेंस लग रहा है। बस अब हमें थोड़ा सा गरम मसाला जो घर पे बनाया गया है, ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला फ्लेवरिंग के लिए ऐड किया है, और 1/2 चम्मच धनिया पत्ते डाल दिए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग। और बस इसे ढक करके दम पर ही छोड़ दिया था कुछ देर के लिए, उसके बाद हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया से ग्रेवी का कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत कम गरम मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, बहुत कॉमन सी चीज़ें यूज़ की हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं। ये हमारी बढ़िया सी चिकन टंगड़ी चंगेजी ग्रेवी तैयार हो गई है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी नॉन वेज ग्रेवीज़ मिल जाएंगी, और मेरी रेसिपीज़ की खासियत ये है कि मैं उनमें ग्रेवीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ, क्योंकि यही ग्रेवीज़ जो हैं इन्हीं के दीवाने हैं सब लोग। जो खाना चाहते हैं वो ग्रेवी ही ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो फिर चावल से खाएं या फिर रोटी से खाएं। तो ग्रेवी खाने का अगर बहाना आपको भी चाहिए तो आप मेरी रेसिपीज़ फॉलो करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं क्या चीज़ ऐसी थी जो पसंद नहीं आई। और ये सर्व करने के लिए मैंने छोटी सी प्यारी कढ़ाई यूज़ करी है, इसमें कुछ टंगड़ी और ढेर सारी ग्रेवी डाल करके ऊपर से हरी धनिया और थोड़ी सी क्रीम डाल के सर्व किया है। क्रीम आप लास्ट में ही ऐड कीजिए, चंगेजी में अक्सर क्रीम भी सर्व की जाती है, क्रीम डालने के बाद हमें पकाना नहीं होता इसीलिए ऐसे ऊपर से सर्व कर देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद कमेंट करिए अच्छी लगी बुरी लगी, कैसी लगी, सबको पसंद आई या नहीं आई, कुछ एडिशन किया आपने या कुछ नहीं किया, आपने जब बनाया तो कैसा रिएक्शन आया, वो सब चीज़ें आप मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। फिर मिलते हैं एक बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।